मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में जर्जर हो चुकी पुरानी इमारतों को ध्वस्त कर नई बिल्डिंग बनाने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत जनपद में इतिहास बनने की कगार पर पहुंच चुका कलेक्ट्रेट का जर्जर भवन, बक्सीपुर स्थित बिजली विभाग का दफ्तर सहित जिले के सभी जर्जर हो चुके भवनों को ध्वस्त करके नया भवन बनाया जाएगा, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने बताया कि जिले के जर्जर भवनों को चिन्हित करके शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं जर्जर भवन दिखाई देता है तो उसे सूचित करें, जिससे कि उसे ध्वस्त कर नया भवन बनाया जा सके। गौरतलब है कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय का भवन 3 फीट से ज्यादा चौड़ी दीवारों के सहारे खड़ा और 12-12 फीट से ज्यादा ऊंचे दरवाजों की बनावट ब्रिटिश काल के वास्तुशिल्प का प्रमाण है। चूना सुर्खी से हुई ईंटों की जुड़ाई और तकरीबन 2-2 फीट की मजबूत सिटकिनी और कब्जों का ही नतीजा है कि 117 साल बाद भी भवन अब तक इस्तेमाल में बना हुआ है। अब जब सरकार सभी पुरानी इमारतों को ध्वस्त कराकर नए भवन बनवाने जा रही है तो गोरखपुर कलेक्ट्रेट की यादें एक बार फिर से जहन में ताजा हो गई है। आपको बता दें कि अवध प्रांत के नवाब ने 1801 में इस क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी दिया तो गोरखपुर को पहला कलेक्टर रूटलेज बने। तकरीबन 3 दशक बाद 1829 में गोरखपुर को डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया। कलेक्ट्रेट भवन का सबसे बड़ा हाल आज भी अंग्रेजी दफ्तर के नाम से मौजूद है, जिसमें डायसनुमा चबूतरे पर अब प्रशासनिक अफसर बैठते हैं। इसके अलावा कलेक्ट्रेट के भवन में जिला मजिस्ट्रेट के चैम्बर के अलावा उनकी अदालत, व्यक्तिगत कार्यालय मौजूद है। अपर जिलाधिकारियों के चैम्बर, कोर्ट, चकबंदी दफ्तर, नजारत जैसे तमाम कार्य इसी भवन में होते हैं। कलेक्ट्रेट भवन के परिसर में ही अभिलेखागार, अभियोजन और एडीएम राजस्व का दफ्तर और कोर्ट भी इसी भवन के समकालीन है। फिलहाल कुछ ही दिनों में कलेक्ट्रेट का यह भवन इतिहास बन जाएगा और इसे ध्वस्त कर नया कार्यालय बनाया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने कहा कि नया भवन बनाने तक जिलाधिकारी कार्यालय और एसएसपी कार्यालय बस स्टेशन स्थित पर्यटन विभाग के दफ्तर में संचालित होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने कहा, बहुत सारे जो स्ट्रक्चर ऐसे होता है तो क्वालिटी के वजह तो जल्दी जर्जर हो जाता है। इसी के खासतौर पर बेसिक शिक्षा विभाग का बहुत सारे भवन है और यहाँ भी जो ये पुराने जनपद नाते से इससे पुराने ऐतिहासिक कुछ भवन भी है, तो ऐसे भवन है 100 साल पुराने भी है। उसी का सर्वे चल रहा था, खासतौर पर नगर निगम, नगर निकाय और फायर वाले तीनों ने जिम्मेदारी दिए है ताकि ये स्ट्रक्चर जो भवन बना हुआ वो स्ट्रक्चर यदि तो एक्चुअल रेजिलेंट हो और जो फायर का फाइट कर सको और कहीं ना कहीं ऐसा कुछ जर्जर हालत में है उसको डिमोलिशन के आदेश कर सकते हैं। ठीक है, टीम बनाकर हम लोग रवाना कर रहे हैं। आपको भी अपील है जो मीडिया साथियों से भी, यदि आपके नजर में ऐसा कोई बिल्डिंग आपको दिखता है तो जरूर हमें बता दें, उसके फिर डिमोलिशन करा करके नया कराने के लिए। कलेक्ट्रेट का बोन तकरीबन 100 साल पुरानी हो चुका है, हम लोग समय समय पर मेंटेन कराते रह रहे हैं और इसको शासन ने प्रस्ताव चला गया है। उम्मीद करेंगे इस साल हमें नया कलेक्ट्रेट का सैंक्शन भी मिल जाएगा, जल्दी हम बना लेंगे। उसका वैकल्पिक रूप से हम लोग दूसरा जगह हम लोग देख भी चुके हैं, यहाँ का पर्यटन विभाग का भवन है उसी पे हम और कप्तान का दोनों चुके जाएंगे। हम उसके आदेश के लिए इंतजार कर रहा हूँ, कितने जल्दी आदेश आ जाएगा उसका।